नमस्कार, सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सत्ता के सेमीफाइनल में आज अमर उजाला डॉट कॉम की टीम जांच पहुंची है सतना। जानने जनता का मूड और मिजाज, किन मुद्दों पर तोला जाएगा उम्मीदवारों को और कौन से हैं वो काम जो रह गए हैं अधूरे। हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त मौजूद हैं सतना में जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ। तो चलिए सीधा वैभव की ओर रुख करते हैं और वैभव से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहां पर मौजूद जनता चाहती क्या है अपने भावी जनप्रतिनिधि से, और जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना ख्याल रखा है उनका। वैभव, जी आज दिन भर हमने सतना का मूड जाना, यहां कई दिक्कतें हैं लोगों की, उन लोगों के सवाल जाने और इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें, हमारे साथ जो गेस्ट हैं बीजेपी की तरफ से, जो जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उषा चौधरी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं कमलेश सिंह जी जो कि महिला प्रदेश सचिव हैं, और कांग्रेस की तरफ से ही हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या है वो अहम मुद्दे जिनको लेकर इस बार सतना की जनता इस बार वोट करेगी। सत्ता के सेमीफाइनल के तहत अमर उजाला डॉट कॉम का चुनावी रथ पहुंच चुका है सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा का कब्जा है। आइए जायजा लेते हैं सतना की इन सीटों का। चित्रकूट विधानसभा सीट, 2017 में कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह का निधन होने के चलते चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस की नीलांशु चतुर्वेदी ने शंकर दयाल त्रिपाठी को हराया था। बीते 3 चुनाव से प्रेम सिंह ही यहां से जीतते आ रहे थे। सतना विधानसभा सीट, सतना एक बड़ी विधानसभा है। ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग की बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में 2013 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई 2 ब्राह्मणों के बीच थी, जिसमें भाजपा के शंकरलाल तिवारी ने कांग्रेस के राजा राम त्रिपाठी को 15,332 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अमर पाटन विधानसभा सीट, साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह ने भाजपा के राम खिलावन पटेल को करीब 11,000 वोटों से शिकस्त दी थी। करीब 2,70,000 वोटरों वाली सीट पर ब्राह्मण पटेल वोटरों का दबदबा है। रैगांव विधानसभा सीट, करीब 1,85,000 मतदाताओं वाली रैगांव सीट पर साल 2013 में बसपा की उषा चौधरी ने भाजपा के पुष्पराज बागरी को करीब 4,100 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। क्षेत्र में हरजन और कुशवाहों की बड़ी आबादी है और इसी की वजह से मायावती की बहुजन समाज पार्टी रेस में रहती है। नागौद विधानसभा सीट, ठाकुर बाहुल इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। साल 2013 में नागौद से कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को जीत मिली थी। उनका मुकाबला भाजपा के गगनेंद्र प्रताप सिंह से था, जिसमें यादवेंद्र 10,000 वोटों से जीतने में सफल रहे थे। मैहर विधानसभा सीट, साल 2013 में चुनाव में सीट पर कांग्रेस के नारायण त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी। फरवरी 2016 में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। करीब 2,12,000 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का वोट निर्णायक माना जाता है। रामपुर बघेलान विधानसभा सीट, ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह विधायक रह चुके हैं। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत सीट पर बीजेपी ने सेंध लगाई और गोविंद सिंह के बेटे हर्ष नारायण सिंह को मैदान में उतारा। हर्ष सिंह ने बसपा के राम खिलावन सिंह को करीब 24,000 वोटों से मात दी थी। अमर उजाला डॉट कॉम, तो हमने आपको दिखाई सतना की 7 विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण। अब चलते हैं सीधा वैभव के पास, जिनके साथ जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही मौजूद हैं। सीधे वैभव की ओर रुख करेंगे, वैभव से जानेंगे क्या कहती है वहां की जनता और जनप्रतिनिधि। वैभव, जी सबसे दिलचस्प बात सतना की यह है कि 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस है, 3 पर बीजेपी है और 1 पर बीएसपी काबिज है। ऐसे में इस बार और ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहां पे 2 तरफा नहीं 3 तरफा लड़ाई है। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और सतना विधानसभा क्षेत्र भी आपका आता है,
यहाँ पर सड़क को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है, तो क्या दिक्कत परेशानी आई कि सड़क अभी तक बन नहीं पाया है? जो ओवरब्रिज का काम है वो अभी तक रुका हुआ है, जिसकी वजह से धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि वो दमा के मरीज हो गए हैं। हम अपने घर में एक कमरा बनवाते हैं तो महीने 15 दिन लग जाते हैं, तो इतना बड़ा अगर फ्लाईओवर बन रहा है और इस ओवरब्रिज बनने में सतना को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है तो स्वाभाविक समय लगेगा, और जब कोई बड़ा निर्माण होता है थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ता है। लेकिन विचार करिए, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब शहर की ट्रैफिक को कितना फ़ायदा होगा, शहर में चलने वालों के लिए कितनी बड़ी सुविधा होगी, आए दिन जो एक्सीडेंट वगैरह उनसे हमारी बचत होगी, तो स्वाभाविक थोड़ा कष्ट होगा। रहा सवाल सड़कों का, कितना वक्त हो गया इसको बनाते बनाते अभी? नहीं, इसकी अवधि पूरी हो गई। प्रशासन ने एक बार पुनः ठेकेदार को, काम स्लो कर रहा प्रशासन, प्रशासन ने पुनः एक बार ठेकेदार को बुला के चेतावनी दी, विशेष अल्टीमेटम दिया और काम चालू है। सर क्यों ना ऐसा होता कि आप ठेकेदार को थोड़ा सा, अगर टाइम खत्म हो रहा है उसके 6 महीने पहले बुला करके आप चेतावनी देते कि 6 महीने का अल्टीमेटम हम आपको दे रहे हैं, 6 महीने में करके दिखाएं। देखिए भाई साहब, ठेकेदार को समय समय पर बताया जाता है, प्रशासन निगरानी रखता है, ठेकेदार का बजट सेंक्शन होता है, अब उस पर बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है, बहुत से उसके बहाने होते हैं, लेकिन काम चल रहा है, काम रुका नहीं है और काम पूरा होने की कगार पे है। बामुश्किल से 1-2 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ आम लोग हैं हमारे साथ, आपको क्या लगता है बहाने ठेकेदार के हैं या फिर प्रदेश की सरकार और यहाँ के विधायक अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? यहाँ के जो विधायक और जो भी शासन के जो भी वो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बहुत सही काम किया नहीं जा रहा है, और जो भी बता रहे हैं वो तो खैर सत्ता की राय, राजनीति है। बाकी काम काफ़ी दिन से ये चल रहा है और अभी पता नहीं कितने सालों तक चलेगा। इसी तरह से लोग धूल में भरी रोडों में चलते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? इनके दावों में कितनी सच्चाई है? इनके दावों में ये सच्चाई कि पहली बात तो यहाँ पर फ्लाईओवर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर फ्लाईओवर की ज़रूरत थी तो फिर पूरा सिमरिया चौराहा से अम्बेडकर चौक से और सिविल लाइन तक बननी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं लगता है, सीएम स्कूल के पास लगता है, जहाँ पर उसका फ्लाईओवर का कोई रेशियो नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा। चलिए ठीक है, आप दावे कर रहे हैं फ्लाईओवर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की जरूरत तो है। बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम बात करें, हम मोहर इलाके में गए थे, छिटिया मोट करके एक छोटा सा गांव है, वहां से सतना मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, लेकिन वहां अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घट जाए, कोई ज्यादा इमरजेंसी हो जाए किसी को, वहां पे तो लोगों के पास वाहन नहीं, रहने को घर नहीं है, आवास योजना के तहत भी उनको अभी तक घर पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, तो वहां पर तो सड़क की जरूरत है, वहां तक क्यों नहीं पहुंची? और उनका ये आरोप है कि 5 साल में उन्होंने आपसे मुलाकात की ही नहीं, आप एक बार गई थी वोट मांगने के लिए 2013 में, उसके बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हुई है। नहीं, छितिया मोड में तो लाइट ही नहीं थी, मैंने वहां तक तो लाइट पहुंचाई, 13 गांव ऐसे। लाइट आपने पहुंचा दिया लेकिन लोगों के पास पीने का पानी नहीं, एक हैंड पंप है लेकिन जिसको 15 मिनट तक उसमें हवा देने के बाद पानी निकलता है, जब जल स्तर घट गया तो पानी कैसे निकले? 270 हैंडपम्प गौड़ खनिज से मैंने पास करवाया था, जो कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि उषा चौधरी का इतने हैंडपम्प क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आपके दावों की सच्चाई हम अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। amarujala.com की टीम छिटिया मोट नाम के एक छोटे से गाँव में पहुंची, जो की मैडम का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से बदहाली में जी रहे हैं और आज दिवाली के दिन उनके चेहरे पर अभी भी क्यों उदासीनता छाई है। प्रदेश सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक विकास पहुंचा है, वहीं विधायक अलग अलग दावे भी करते हैं, लेकिन हम आपको एक गांव की बदहाली दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रेघांव विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है, जहां दिवाली के दिन लोग किस तरह से मायूस बैठे हैं, क्योंकि वो विकास से कोसों दूर है। आइए आपको दिखाते हैं इस गाँव के हालात। सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्र का ये छिटिया मोट कस्बा सालों से विकास से वंचित है। करीब 200 से 300 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 2-3 घर ही पक्के हैं, बाकी लोग कैसे रहने पर मजबूर हैं, जरा इन तस्वीरों में ही देख लीजिए। इस छोटे से कच्चे घर में 4 लोगों का परिवार रहता है। धूप से बचने के लिए पुराने कपड़ों से छत बनाया गया है।
अरे हो गया साहब, हो गया लकड़ी वकड़ी बेचता हूँ, क्या करूँ अब। यहाँ में हो गया चार पांच जन रही थे, हो गया गुजर बसर कर रहने यहाँ झोपड़ी में। अरे हो गया अब कई एक दहना है न का है न हो गया, तब कहते कि अब आगे वाले नहीं सही आते, अब दूसरा किस्त कहाँ से आएगा। बहुत दिन के आए मघुआरी से सरपंच से मिलेंगे आते नहीं आ, कुछ कहते नहीं तो का कैसा है पता है। क्या बोलते हैं सर? जब कहते मैं कि जब बन जाई है सबके, जब आगे आगे उनके बने हैं तो फिर पीछे तुम्हार बनी है आए? या कहते गांव में ज्यादातर लोग या तो किसान हैं या फिर मजदूर। जो किसानी करते हैं उनकी हालत भी ऐसी ही है कि सूखा पड़ने पर वो सिर पीट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इन्होंने पिछले 5 साल से विधायक का चेहरा तक नहीं देखा है। यहाँ की बहुत पीने का पानी नहीं मिल रहा था और मतलब ये लेबर जो है यहाँ मजदूर बिल्कुल परेशान। और जो आपकी फसल होती है जी बिल्कुल बराबर मिलते हैं, लेकिन यह अब सूख गया सर, तो अब यहाँ क्या है, पानी तो है ना, पानी के कारण मतलब खेती नहीं हो पाती, बिल्कुल सूखा है सर। अब क्या करें सर, अब मजदूरी करते हैं, हो गया, कहीं काम लगा कहीं बैठे रहते हैं, कहीं लकड़ी बेचते हैं और कुछ नहीं होता है। वैसे तो ये गांव शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर कोई यहां बीमार पड़ जाए तो शहर पहुंचने के लिए साधन कुछ नहीं है। यहां जो सड़कें हैं जो थोड़ी बहुत बनी हुई हैं, आप इस गांव में आना जाना करते रहते हैं, आखिरी बार आए थे तो क्या हालात थे और अभी क्या? नहीं, आखिरी बार आए थे तो हालात ठीक नहीं थे, इस बार अभी सीसी रोड बनी है सरपंच के द्वारा। क्या लगता है कि सड़कें चुनावी है या फिर उनकी सड़कें सड़क बनाने की? नहीं, सच में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल चुनावी है, सामने दो चुनाव है जिसके कारण सारा कुछ हो रहा है। और अगर हम आसपास के इलाके की भी बात करें तो चुनाव के वक्त ऐसी कुछ खबरें आई हैं रिपोर्ट में, उपचुनाव के वक्त भी ऐसी कुछ खबरें आई, क्योंकि चुनाव के पहले यहाँ पर पैसों के पैसे बढ़ते हैं और शराब भी बढ़ती है, ऐसी ऐसी कुछ खबर? बिल्कुल खबर है, अभी चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था जिसमें जननी एक्सप्रेस में दारू और पैसे पकड़े गए थे, और अभी भी चुनाव है तो जैसे ही थोड़ा गर्मा होगा मौसम और चुनावी माहौल थोड़ा गर्म होगा तो निश्चित तौर पे शराब और पैसा तो बहुत बढ़ता है, शराब तो बहुत बढ़ती है और यही एक उनके लिए टाइम होता है जब वोट खींच सके। यहाँ पर जो और दो तीन प्रॉब्लम है, कोई सरकार ध्यान नहीं देती, हॉस्पिटल, यहाँ से 6 किलोमीटर में हॉस्पिटल है और वहाँ पर सिर्फ एक चीज रेफर बना रखा रहता है कि मरीज आएगा हमें सतना रेफर करना है। यहाँ से 6 किलोमीटर किसी तरह लोग जाते हैं और कोठी में थोड़ा सा पट्टी की एक आध इंजेक्शन लगाए और रेफर बना रहता है, वहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर है नहीं। बिल्कुल घटना हुई, अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की कहानी है कि दो करंट की घटना हुई जिसमें करंट लगा, परमिट लेने के बाद लाइट चालू की गई और जो बना रहे थे मैकेनिक वो ऊपर से नीचे गिरे, कोठी हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत उनको सतना रेफर किया गया, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, ये पोजीशन। गांव में पीने का पानी तक इन लोगों को नसीब नहीं होता, ये सभी इस हैंडपंप पर आश्रित हैं और इससे पानी निकालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस गांव की बदहाली ऐसी है कि यहां लोगों को तारीख की सूद नहीं है, दिवाली क्या मनाएंगे। आपने देखा किस तरह से लोग चूल्हे के धुएं में यहां के महिलाएं खाना बनाने को मजबूर हैं, ये है सरकार के उज्ज्वला योजना की जो असली तस्वीर है। सामने एक शौचालय दिख रहा है जिसके नीचे की तरफ दरवाजा टूटा है, ये है स्वच्छ भारत अभियान की एक तस्वीर, और ये देखिए किस तरह से घरों में लोग रह रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां तक विकास तो क्या, विकास की हवा तक नहीं पहुंच पाई है, और प्रदेश सरकार और मौजूदा विधायक जो है वो दावे करते हैं कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का विकास कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश यादव के साथ वैभव कुमार, amarujala.com, सतना।
तो सतना के लोग बदहाली में हैं, परेशान हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जो सतना के लोग हैं जो बदहाली में जी रहे हैं, उनका उनके लिए कौन आगे आएगा, कौन सामने आएगा। फिलहाल वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके साथ जनप्रतिनिधि और जनता दोनों ही मौजूद है। वैभव, वहां पर जो जनप्रतिनिधि आपके साथ मौजूद हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, जनता अपनी बात कह रही है, ऐसे में कुछ लोगों से और ये भी पूछिए कि आखिरकार उनके लिए इस बार क्या मुद्दा होगा चुनाव का, किस लिए वो वोट करने जाएंगे। जितने भी तीन चार गांव है इसके बाद जो आते हैं, 25 साल बीजेपी के विधायक रहे, जिनकी सरकार रही। आप पुरानी बात ना जाएं, आप फिर किसी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आपने 5 साल में क्या काम किया, जनता इसका हिसाब मांग रही है। 5 साल में मैंने किया ना, हर पंचायत में मैंने 25 से 30 लाख रुपए दिया है, मंगल भवन बनवाए, सड़कें भी बनवाई मैंने। एक वहाँ सड़क हमने देखा, वो सड़क तो चुनावी है, लोगों का कहना 5 दिन पहले बनी है। WBM मैंने दिया है मौहार में, WBM के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते हैं। और हैंडपंप के लिए मैंने बताया कि 270 हैंडपंप मैंने विधानसभा के अंदर भी मैं बहुत ज्यादा बोली हूँ कि हमारे यहाँ PHE के पानी के लिए बहुत कमी। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों से ही जानते हैं। आप अपना परिचय दे सर। मैं राजीव खरे, एडवोकेट और RTI एक्टिविस्ट हूँ। इनके दावों में कितनी सच्चाई है? कई जगह विकास प्रॉपर नहीं हुआ है, ये तो बात सत्य है। और जो काम होने चाहिए वो पूरे सतना जिले की बात मैं कहूंगा, सतना जिले में नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपने कांग्रेस के साथी के साथ आते हैं। आपने इस बार एक नया चेहरा मैदान में उतारा है, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, क्या लगता है इस बार आप हिला पाएंगे जो 15 साल से जो ये सत्ता में है? 100% जीत सुनिश्चित है। किन मुद्दों को लेकर के आप लड़ाई इस बार ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आपके वादे क्या है इस बार? जो अनियंत्रित विकास है या विकास अनियंत्रित हो गया है उसको सुनियोजित करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता। अनियंत्रित विकास से आपका क्या तात्पर्य है? माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि फ्लाईओवर बनाया, मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर उत्तर हो इनके पास दे दे, और मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी विधायक या सांसद के पास इसका उत्तर हो तो वो दें कि फ्लाईओवर जो बन रहा है उसकी ड्राइंग डिजाइन इनके पास कंप्लीट है कि नहीं है। फ्लाईओवर कंप्लीट कैसे होगा? सीधा सवाल है आपके ऊपर इनका कि आपके पास उसकी ड्राइंग मौजूद है? बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या नेतागिरी चल रही है। लोग नगर निगम के अंदर एक कमरा बनवाते हैं तो नगर पालिका से नक्शा पास करवाना पड़ता है, और सतना शहर में करोड़ों रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है, नक्शा के फ्लाईओवर बन रहा है। इन्होंने आपकी बात को तो बचकाना करार दे दिया। अगला मैं बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, इन्हीं के पार्टी के आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो सिमरिया चौराहे में टर्निंग होनी है, बिरला रोड तरफ लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न सीधे स्ट्रेट जाना है, उसकी ड्राइंग डिजाइन आज भी कंप्लीट नहीं है। चलिए ठीक है, नक्शे की बात को हटाते हैं, आपके वादे क्या है इस पर? जो भाजपा ने कुशासन, भ्रष्टाचार और विकास जो इनका मुख्य मुद्दा था वो बिल्कुल पागल हो गया है। आप अगर आपको 10 मीटर रोड भी पार करनी है तो आपको सांस रोक के रोड पार करनी पड़ती है, हमारी कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी हमको बढ़ाना पड़ रहा है। क्या दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में पुल नहीं बनते, फ्लाईओवर नहीं बनते, वहां पे पुलिया नहीं बनते? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सेंटेंस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां पे काम होता है, निर्माण होता है, तो इस तरह धूल थोड़ी उड़ती है कि आप रोड को खोद दें। आप जो भी कोई भी काम होता है उसकी रोड बनती है तो बाईपास दिया जाता है कि ट्रैफिक वहां पे ना हो। आप रिवर रोड में आप अभी निकल जाइए, आपको धुंध आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सांस रोक के चलना पड़ेगा। ठीक है, लोगों से ही जानते हैं। इनका दावा है कि ये जो इनका कहना है कि ये जब बन के तैयार होगा चलेगी, लेकिन इनका ये मानना है कि वहां पर उसको सुनियोजित तरीके से करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई ओवर ब्रिज को बनाने में, या फिर उस काम से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं नहीं, बात मेन रोड है, रिवर रोड, नेशनल हाईवे है, इसको बड़ी प्लानिंग से करना चाहिए था, लापरवाही तो हुई है, अफसरशाही इसमें ढीली बहुत है। सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन अफसरशाही को जो समय दिया गया था उसमें बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने करी है। इतना आवागमन पूरे शहर का एक धड़कन है मेन, और इसमें इस तरह से आवागमन इतना ज़्यादा है तो उसकी पहले निकासी की प्रॉपर योजना होनी चाहिए था, जिस तरह खोद के, और आज प्रदूषण से लोग वाकई प्रभावित हो रहे हैं, तकलीफ में है इसमें। हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं जो कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में डेब्यूटेंट के तौर पर आ रहे हैं। सर, अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं डॉक्टर रमेश सिंह, आम आदमी पार्टी का जिला संयोजक हूँ। चल रहा है इस ओवरब्रिज को लेकर के, यहाँ पे कमी किसकी रह गई है, और उधर से जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जो हमारे डब्बू भाई ने बताया वो आरोप मेरे को बिल्कुल 100% सत्य लग रहा है, क्योंकि जिस 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, आज दिनांक तक हमारा फ्लाईओवर ठीक बना नहीं,
आज भी जो है तो देखें वहां जाके मौके पर आप मुआयना करें। जी हमने किया है। मुआयना करने के बाद देखेंगे कि हो गया, किसी प्रकार का कोई प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं थी, साइड में चलने के लिए पब्लिक के लिए कोई नहीं था। ठीक है जी। इनका ये कहना है कि ये जो विकास जॉब कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सुनियोजित तरीके से करना चाहिए था, बाईपास देते या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते जिसकी वजह से प्रॉपर वहां पे पानी का छिड़काव किया जाता है या फिर उसे कवर करके किया जाता है। चलिए हम आप यहीं पे खड़े हैं, किसी को भेज देते हैं, अगर दोनों तरफ पानी का छिड़काव ना मिले तो आप मेरे को बोले कि गलत हो रहा है। मेरा एक दूसरी बात, बार बार विकास की बात आ रही है। नहीं, अगर पानी की छिड़काव की बात कर दें, आपने शाम में करा दिया, सुबह हम भी वहां से गुजरे थे, वहां से गुजरना मुश्किल है, वहां पर 2 मिनट खड़े होकर सांस लेना मुश्किल है। मैं दावा करता हूं कल सुबह आप मेरे साथ वहां पर चले और वहीं पे 2 मिनट खड़े रहे, अगर आपने अपने मुंह पर रुमाल नहीं रखा तो फिर हमारे दावे झूठे हो जाएंगे। चलिए हमारी आपकी बात हुई, आप 2 मिनट बात करें, हम 10 मिनट बिना रुमाल खड़े रहेंगे। अच्छा तो फिर नहीं मेरी बात सुनिए, क्या नहीं आपकी जो बात है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा दें। सुबह जब हमने उस ओवरब्रिज के आसपास का मुआयना किया था, जब कुछ लोगों से बात की थी तो लोगों ने खुद सत्ताधारी पार्टी जो है अपने विधायक से क्या सवाल किए थे, जरा वो सुनवाते हैं सबसे पहले आपको। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, क्या बन, ये तो ठीक है बन ही रहा, पर इसके लिए भी तो जो ये धूल और रोड ये खराब हैं, मैं 1 माह से बीमार हूँ, मेरे को दमा का मरीज हो गया, मैं न कोई सिंचाई न ऊंचाई, कुछ प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला हुआ है जी। यहाँ पे कोई सफाई का कोई वो है नहीं, जैसे आदमी कहते हैं ना स्वच्छता अभियान चल रहा है, बिल्कुल कोई सफाई का नाम निशान नहीं है सर। यहाँ इतना डस्ट है, पूरी शरीर देख रहे हैं, आवाज तक नहीं निकल पा रही आदमी के शरीर के अंदर से, ना तो पानी की सिंचाई। ये ओवरफ्लो का काम आपका करीब 3 साल हो रहे हैं, इस तरह के विधायक रहेंगे 3 साल में अभी तक ओवरफ्लो नहीं बन पा रहा आपका, तो क्या है ये, क्या सरकार क्या कर रही है, कुछ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इनको तो सबको हटा पहले करके, किसी को भी वोट डालने जाना ही नहीं किसी को भी। ये रोड का नाली का जो यहाँ प्रकरण है, बिल्कुल इतना 4 साल से बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। बाकी सरकार जो है, सरकार में कमी नहीं कुछ भी है ना, यहाँ जो है जो कर्मचारी हैं वो सही काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बिना लिए दिए कोई काम करते नहीं हैं। सरकार कहती नहीं है कि यहाँ ले दे करके ही काम करो, है ना, यहाँ की सरकार जो है अच्छी है। हमारे इधर रामपुर बघेलान में ये बदरखा गांव में है, आज 70 साल से हो गए, आज तक रोड नहीं बनी है। यहाँ के मंत्री जाते हैं, सांसद भी गए, हर्ष नारायण सिंह मंत्री जी गए, बोले हम रोड बनवा के देंगे। तो बिल्कुल विकास जो होता है वो हमेशा सड़कों से होकर गुजरता है और उसी की हालत बेहद खराब है। वैभव से जानना चाहेंगे, वैभव अगला पड़ाव हमारा क्या होगा? इस बार के आपके वादे क्या है, कौन कौन सी चीजें जो रह गई है वो आप पूरा करने वाले, संक्षिप्त में बताएं। देखिए बहुत आम जनता, सड़क बिजली पानी उनकी मेन समस्या होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली नाम मात्र को थी, 24 घंटे में 2 घंटे आधे घंटे आती थी, आज 24 घंटे बिजली मिलती है, अपवाद स्वरूप कभी लाइट गोल हो जाए एक घटना है। सड़क के मामले में सतना से मैहर, संक्षिप्त मामले, सतना से मैहर जाने में, सतना से चित्रकूट जाने में, सतना से पन्ना जाने में सड़कों का जाल बिछ गया। सतना मैं मानता हूँ, आपके क्या वादे? आगे बता रहा हूँ ना, हमारे वादे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये वादा किया था कि 2016-17 और 2018 में हम नहर ले आएंगे। किसान इतना दुखी, जैसे किसान को इस बार आप खुश कर देंगे, इस बार पूरी तरह से। मैं किसानों की बात करूंगी कि नहर आए, ये सरकार चेंज। आप किसानों की बात करेंगे, आपके आपका एक अहम मुद्दा क्या है, संक्षिप्त में बताएं। भ्रष्टाचार, कुशासन, महिलाओं बालिकाओं पर अत्याचार, इससे बिल्कुल जनता को मुक्ति मिलेगी, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट। आपसे भी जान लेते हैं, आप इस बार क्या रोल प्ले करने वाले हैं? हम लोगों का ये कि यदि हमारी सरकार आती है तो पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, दिल्ली की तर्ज पर हम यहाँ। दिल्ली को आपने अपना रोल मॉडल बना लिया, तो आपने सुना कि हर एक पार्टी का यहाँ क्या दावा है और इनके दावों पर जनता कितना भरोसा करती है, वो चुनाव के नतीजों के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल सतना से इतना ही, जनता को बता दें कि हमारा अगला पड़ाव
कल यानी पन्ना से होने वाला है और पन्ना में भी इसी तरह से हम जनता की राय जानेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के सवाल लेंगे और शाम 5 बजे लाइव डिबेट में बड़ी बात में जनता के सवालों का जवाब उनके जनप्रतिनिधि देंगे।